रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है ईएडी लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट। हमारा टॉपिक है द होम ऑब्जेक्ट। एज वी हैव डिस्कस्ड, क्लाइंट कोड डील्स विद द ईजीबी ऑब्जेक्ट एंड नेवर विद द बीन डायरेक्टली। जैसा कि हमने देखा है कि जो ईजीबी ऑब्जेक्ट है वो डील जो क्लाइंट है वो किससे डील करता है? ईजीबी ऑब्जेक्ट के साथ। जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली बीन्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो अब एक क्वेश्चन आता है, द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज हाउ डू क्लाइंट्स अक्वायर रेफरेंसेस टू ईजीबी ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये तो मैं बात समझ आ गई कि क्लाइंट जो है वो ईजीबी ऑब्जेक्ट के साथ बात करता है और फिर ईजीबी जो वो बीन से करते हैं। लेकिन अब ये बात समझ नहीं आ रही कि फिर क्लाइंट को जो है वो ईजीबी ऑब्जेक्ट की तरफ रेफरेंस कौन देता है, उसको कौन बताता है कि आप ईजीबी ऑब्जेक्ट की तरफ जाएं। तो ये आज हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। क्लाइंट कैन नॉट इंस्टेंशिएट एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। जो क्लाइंट है वो ईजीबी ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली नहीं जा सकता, बिकॉज ईजीबी ऑब्जेक्ट्स कैन एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट मशीन। वो कहते हैं कि ये बात मुमकिन है कि ईजीबी ऑब्जेक्ट्स और जो क्लाइंट है वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मौजूद हो। ऐसा भी हो सकता है कि सेम मौजूद हो, सेम ही लोकेशन पे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद हो। सिमिलरली ईजीबी प्रमोट्स लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। अब ईजीबी हमें क्या कह रहे हैं कि वो हमें प्रमोट कर रहा है लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। ये हम देखते हैं लोकेशन ट्रांसपेरेंसी क्या है। सो क्लाइंट शुड नेवर बी अवेयर ऑफ एग्जैक्टली वेयर एन ईजीबी ऑब्जेक्ट रिसाइड्स। तब हमें लोकेशन ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है ना, तो फिर क्लाइंट को कभी पता ही नहीं चल सकता कि उसके ईजीबी ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे हैं। ठीक है, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। ईजीबी इनहेरिट्स अ सिग्निफिकेंट बेनिफिट फ्रॉम RMIOOP। जो इन ईजीबी है ना वो बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहा है RMIOOP। ये हमने जो है ना एक कम्प्लीट देखा था, आप समझ रहे हैं कि जो सेकंड चैप्टर का फर्स्ट ट्यूटोरियल था ना उसमें हमने ये देखा था। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ये समझाया था, तो आप उसको जाके देखें। तो इन RMIOOP द फिजिकल लोकेशन ऑफ द रिमोट ऑब्जेक्ट यू आर इनवोकिंग इज मास्क्ड फ्रॉम यू। कि जो आप रिमोट ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं ना उसकी जो फिजिकल लोकेशन है इस मास्क, मतलब वो आपसे छुपी हुई है। योर क्लाइंट इज अनअवेयर, उसे नहीं पता होता कि जो ईजीबी ऑब्जेक्ट उसे एलोकेट किए जा रहे हैं वो बिल्कुल उसके पास वाले मशीन में पड़े हुए हैं या फिर उसे कहीं दूर से इंटरनेट से एक्सेस किया जा रहा है। इट ऑल्सो मीन्स दैट द ईजीबी ऑब्जेक्ट्स कुड बी लोकेटेड ऑन द सेम JVM एज द क्लाइंट। के जो ईजीबी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम मशीन में भी हो सकते हैं और डिफरेंट में भी हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब इसे हम कहते हैं लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, के क्लाइंट को पता नहीं होता कि उसके ईजीबी ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे हैं। ठीक है, वो हो सकता है उसके पास हो सकता है उससे बहुत दूर हो। तो ये होता है कि क्लाइंट को अपनी जो ईजीबी ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन का नहीं पता होता। जो लोकेशन है वो क्लाइंट से हाइड की होती है और इसे हम क्या कहते हैं, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। यहाँ की कुछ थोड़ी सी बातें हैं, इसे आप चाहें तो पढ़ ले वरना एज यू विश, आप पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ ले वरना रहने दे। अच्छा, टू अक्वायर, आपको लोकेशन ट्रांसपेरेंसी की समझ आ गई है ना, अब आगे देखें। डायरेक्टली टू अक्वायर अ रेफरेंस टू एन ईजीबी ऑब्जेक्ट। अब जब क्लाइंट ने ईजीबी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेना है तो वो कैसे लेगा? योर क्लाइंट कुड आस्क फॉर एन ईजीबी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ईजीबी ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। कि वो जो ईजीबी की ऑब्जेक्ट फैक्ट्री है ना वहाँ से जाके ईजीबी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेगा। दिस फैक्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टेंशिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग ईजीबी ऑब्जेक्ट। अब ये जो फैक्ट्री है ना ये जिम्मेदार है ईजीबी ऑब्जेक्ट को बनाने में और उसको डिस्ट्रॉय करने में। द ईजीबी स्पेसिफिकेशन कॉल सच अ फैक्ट्री अ होम ऑब्जेक्ट। और ये जो ईजीबी स्पेसिफिकेशन है वो इस फैक्ट्री को क्या नाम देती है, होम ऑब्जेक्ट का। ठीक है, होम ऑब्जेक्ट से जाके ईजीबी ऑब्जेक्ट जो है वो रिक्वेस्ट करता है, जो उसे उस ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट करता है जो क्लाइंट ने उसे की होती है। द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ होम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएट ईजीबी ऑब्जेक्ट। होम ऑब्जेक्ट क्या करती हैं कि ईजीबी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करती हैं, पॉइंट एग्जिस्टिंग ईजीबी ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से प्रीवियस ईजीबी ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, रिमूव ईजीबी ऑब्जेक्ट्स और ईजीबी ऑब्जेक्ट्स को रिमूव भी करती है। जस्ट लाइक ईजीबी ऑब्जेक्ट्स, होम ऑब्जेक्ट्स आर प्रोप्रिएटरी एंड स्पेसिफिक टू ईच ईजीबी कंटेनर। कि जिस जैसे हर ईजीबी कंटेनर के लिए हो ये ईजीबी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं ना, वैसे होम ऑब्जेक्ट भी हर ईजीबी कंटेनर के लिए स्पेसिफिक होते हैं।
They contain interesting container specific logic such as load balancing. अब इसके पास ना container specific logic होते हैं, कौन कौन से logic हो सकते हैं, for example load balancing logic, कि अगर कोई load ज़्यादा होगा तो उसको balance किस तरह करना है, logic to track information on a graphical administrative console, and just like EGB objects, home inter objects are physically part of the container. जिस तरह EGB ऑब्जेक्ट हमारे पास कंटेनर का फिजिकल पार्ट है ना, इसी तरह जो होम ऑब्जेक्ट है वो भी फिजिकल पार्ट है कंटेनर का. एंड आर ऑटो जनरेटेड बाय द कंटेनर वेंडर टूल्स. जिस तरह EGB ऑब्जेक्ट ऑटो जनरेट होते हैं, इसी तरह जो होम ऑब्जेक्ट है वो भी ऑटो जनरेट होते हैं. ये देखें जी, ये इसके हमारे पास डायग्राम है कि सबसे पहले ये आता है होम ऑब्जेक्ट. सबसे पहले हमारे पास क्या था कि क्लाइंट सीधा EGB ऑब्जेक्ट के पास जा रहा था, लेकिन अब वो पहले EGB ऑब्जेक्ट के होम ऑब्जेक्ट के पास जाएगा. होम ऑब्जेक्ट किसे इंप्लीमेंट करता है, होम इंटरफेस को, और फिर वो नीचे आएगा EGB ऑब्जेक्ट के पास. EGB ऑब्जेक्ट किसको करता है, रिमोट इंटरफेस को. ये हमारे पास फैक्ट्री है. तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक था. होप सो आपको पसंद आया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. और मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.